हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपको बताता हूँ कि इंस्टा अकाउंट कैसे बनाया जाता है या कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए और देखिएगा इंस्टा अकाउंट कैसे बनाया जाता है। चलिए चलते मोबाइल के स्क्रीन पे सीधा। इंस्टा अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे सर्च मारना है इंस्टाग्राम। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आ गया इंस्टाग्राम, यहाँ से डाउनलोड कर लो। मेरे तो पहले से डाउनलोड है, इसको मैं फिर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद नीचे में आइकन है फोटो का, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइकन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करिएगा। क्रिएट करने को अपना जो भी यूजर नेम हो, जो भी अपना नाम हो, जैसे राम श्याम कोई भी नाम हो तो अपना नाम यहाँ पर दे दीजिए। तो मेरा नाम है राजेश कुमार, तो मैं अपना नाम कुमार 02 से मैं ये अपना अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पर कुछ अंक देना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3, कुछ भी दे सकते हो। जैसे देने के बाद आपका ना ऑटोमेटिक आपका अकाउंट 4 5 यहाँ पे बन के आ जाएगा। चलिए हम फर्स्ट वाला ये है ना 0 1 2 4, इस पर क्लिक मारते हैं, देखते हैं ये अकाउंट आता है कि नहीं। इस पर क्लिक तो इस पर क्लिक मारते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड इनसाइडेड, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड हो अपना यहाँ पे चूज चूज करके यहाँ पर रख लीजिएगा, क्योंकि यही पासवर्ड आपको काम आएगा। कभी भी आप अकाउंट लॉग इन करिएगा अगर किसी अदर अकाउंट मोबाइल में, तो आपको आपसे ये पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ से सेव भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम सेव नहीं करेंगे। यहाँ पे नोट 9 पर क्लिक करके हम भरते आगे। यहाँ पे आप फ़ोन या ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। तो हम फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पे फ़ोन भी है, मतलब ईमेल नेम भी है। तो यहाँ से हम फ़ोन नंबर देने के बाद फ़ोन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखो क्या आता है। हाँ, वेलकम टू माई इंस्टा अकाउंट कुमार राजेश आ गया ना। यहाँ पे देखो इससे मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करते आए हो, देखते हैं कैसे होता है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, पता नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर, थोड़ा पता नहीं। हाँ, तो देखते कितने देर में होता है। और चल फाइनली कंप्लीट हो गया। यहाँ से गेट फेसबुक सक्सेसन, यू कैन फाइंड प्रॉपर यू कैन नाउ फॉर्म फेसबुक विद अकाउंट सेंटर। यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप स्किप सीधा स्किप कर जाता है। आप कंटिन्यू करिएगा, सीधे आपको फेसबुक अकाउंट में लेकर जाएगा, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि आप स्किप करके चलिए। देखिए हो गया ना, तो यहाँ से स्किप करिए, ऐड टू फोटो पर क्लिक करिएगा। या फोटो पर क्लिक करना, कोई भी आप फोटो यहाँ पर चूज करके अपना रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फोटो लगा दूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, आप फोटो भी चेंज कर सकते हैं बार बार। यहाँ कुमार 016 चश्मकारी आ गया। यहाँ शेयर पर करते हैं, यहाँ शेयर भी कर सकते हैं प्रोफाइल पर, हम शेयर नहीं करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, आपको 5 5 आदमी को भेजा होगा फॉलो, कोई भी हो फ्रेंड को भी भेज सकते हैं। तो हम 5 को चूज कर लेते हैं, ऑटोमेटिक चूज हो गया। और यहाँ से कोई भी आप नाम भी ले सकते हो, हम यहाँ से नेक्स्ट कर दिए। और इसके बाद आगे ना इस पे ना प्रोफाइल को क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ से एडिट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपको सब कुछ होगा। यहाँ पर नोट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी अपना रियल नाम हो वो भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हम कुछ भी दे दिए, यहाँ पर चेंज नाम पर क्लिक कर दिए। अगर आपको नाम चेंज करना है तो 14 14 दिन के बाद ही चेंज होगा, इससे पहले नहीं होगा। ये रूल है इंस्टाग्राम का, 14 दिन का रूल है। यहाँ पे बायो में आप कुछ भी दे सकते हो, आप कितने तक पढ़े हो, लिखे हो, कहाँ के रहने वाले हो, ये सब भी आप दे सकते हो इसमें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका खुद का अकाउंट है, खुद कुछ भी आप दे सकते हो इसमें। इसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। यहाँ पे आप एड लिंक भी, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है वो भी आप लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं हाँ आसानी से, अब यहाँ पे ऐड पर क्लिक करिएगा, अपना अकाउंट लिंक यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पर। और इसके बाद चलते हैं, और इसके बाद पता है स्टोरी कैसे लगाई जाती है वो भी आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। स्टोरी कैसे लगाया जाता है, स्टोरी लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्लस का आइकन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सब कुछ बताएगा कि यहाँ पे स्टोरी कैसे क्रिएट किया जाता था। तो यहाँ पे जाने के बाद अगर फोटो आ गया, यहाँ पे कोई भी फोटो हम एक ले लेते हैं, जैसे कि
यहाँ पे एक रहते बार वीडियो ना चला वीडियो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा वीडियो ले या ये मैं सॉरी चलो ये वाला वीडियो हम ले लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद कुछ भी नाम भी डाल सकते हैं नीचे कर सकते हैं। मुझे आपका स्टोरी लग गया तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट राय जरूर भरिएगा।